सो कास्ट आयरन का पैन अगर आपने बहुत दिनों से यूज नहीं किया है, सीजनिंग करके रखने के बावजूद अगर इस तरह से हो जाता है तो इस टाइम पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस उसको क्लीन कर लीजिए जो अपना नॉर्मल विम बार होता है उससे। काथा कभी भी यूज मत कीजिए, हमेशा जो नॉर्मल सॉफ्ट वाले स्क्रब होते हैं वही यूज कीजिए। एंड अच्छे तरह से सभी साइड से ये कर लीजिए, साफ कर लीजिए। एंड उसके बाद एक दो पानी से अच्छे से धोने के बाद है ना, इसको आप किचन का जो अपना टॉवल होता है उससे पोंछ लीजिए या फैन के नीचे सुखा लीजिए। एंड कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज करते हो बस वही लगाना है अच्छे से, अच्छे से दोनों साइड आप लगाइए। एंड देन गैस पे उसको 5 मिनट तक गर्म होने के लिए रख दीजिए, उसमें से हल्का हल्का धुआं उठने लगेगा और आपको एक जलने का स्मेल भी आने लगेगा, और फिर बंद करके रख दीजिए। एंड देन फिर ये यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। तो बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो, आफ्टर सीजनिंग कितना अच्छे से ये हो गया है। तो ये मैंने एक रात पहले निकाला था क्योंकि मुझे साबूदाना वड़ा बनाना था इसमें। तो चैनल पसंद आया सब्सक्राइब किया।